हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किचन टिप्स एंड आइडियाज़। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके पैसे और समय दोनों को बचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये लिया है मैंने अपने फॉइल पेपर का जो कवर होता है ना, गत्ते वाला, जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर फ्रिज के अंदर जो कवर होता है ना, फ्रिज का डोर होता है, उसके ऊपर इसको मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया है। और इसके अंदर मैं रख रही हूँ अपने टमाटर, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इस तरीके से टमाटर को पॉलीथिन में रखते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो वो जो है उसके अंदर नमी हो जाती है और हमारे टमाटर ख़राब भी हो जाते हैं। इस तरीके से रखोगे तो इनके अंदर हवा भी लगती रहेगी और ये फ्रेश भी रहेंगे। तो आप टमाटर की जगह हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक, वो चीज़ें भी रख सकते हैं। या फिर जैसे हमारे पास छोटे छोटे केचप के पाउच होते हैं, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहन लिया मैंने ये सॉक्स। तो कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, हमें बाथरूम का जो वॉश बेसन है वो साफ़ करना पड़ता है, और इस तरीके से हमें टाइम पर जो है ग्लव्स नहीं मिल पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से पुरानी कोई जुराब जो फट गई है उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस जुराब का जो है इलास्टिक पीछे से बिल्कुल लूज़ हो गया है, और इस तरीके से आप इसको पहनकर जब आप इसको वॉश करोगे ना, तो अच्छे से, एक तो ये अच्छे से साफ़ सफाई हो पाएगी, जो कोने कोने में गंदगी रह जाती है ना, वो भी अच्छे से इससे निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको अब मैं इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा वॉश बेसन कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। आसपास में जितनी भी गंदगी थी ना, वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, क्योंकि जब हम हाथ से करते हैं ना, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती है ब्रश की जगह। तो इस तरीके से आप पुरानी जुराब को पहनकर अपना जो वॉश बेसन है वो क्लीन कर सकते हैं, और जैसे नीचे की जो टाइल्स वगैरह होती है ना, वो भी साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देखिए फ्रेंड्स, ये है जो मेरा बाथरूम है ना, उसका मिरर। तो फ्रेंड्स, जो बाथरूम का मिरर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पानी की छींटे पड़ती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर से इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना फ्रेंड्स, खाली न्यूज़पेपर से ही अपने बाथरूम के जो मिरर है ना, उसको साफ़ करना है। तो देखिए जितने भी इसके ऊपर पानी की छींटे वगैरह लगी हुई थी ना, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है फ्रेंड्स। ये जो न्यूज़पेपर का काम है ना, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। एक बार न्यूज़पेपर से मिरर साफ़ करके देखिएगा, आपके जितने भी मिरर के ऊपर दाग धब्बे लगे होंगे ना, वो एकदम से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खाली न्यूज़पेपर से इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे के सारे मिट गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को यूज़ कीजिए और अपने मिरर को भी साफ़ कर लीजिए। नेक्स्ट टिप में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तवा हल्का सा गर्म कर लिया है, और इसके ऊपर डाल दी है मैंने आइस। तो आइस क्यूब है, तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा अपना जो दूध होता है ना वो, और इसको हल्का से हम जो है गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट दूध को भी पानी के अंदर डाल के मिक्स करके गर्म कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हमारा तवा गर्म होता है ना, और डायरेक्ट दूध उसके ऊपर डालते हैं, चाहे पानी मिक्स करके डालते हैं, तो वो लग जाता है तवे के ऊपर। अगर आप पहले से ही उसके ऊपर आइस डालोगे ना, तो ये नीचे से लगेगा नहीं, और अच्छे से जो है गर्म भी होगा। और फ्रेंड्स, आप इसके अंदर डालेंगे हम हल्की सी थोड़ी सी हल्दी, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, और बस जब तक ये थोड़ा सा आधा हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसको तब तक हम गरम करेंगे और इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर इस तरीके से हमें ये ज़्यादा, अब ये हो गया है और ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको मैं इसमें जो है कटोरी के अंदर निकाल लूँगी, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम अब एक चीज़ मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मिलाएंगे इसके अंदर हम एक चम्मच बेसन। तो फ्रेंड्स, आप जो है इसकी क्वान्टिटी के हिसाब से इसके अंदर बेसन मिला लीजिए, ज़्यादा पतला हो तो थोड़ा सा और मिला लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, इस लेना है हमें एलोवेरा। तो
यहाँ पर मेरे पास तो पेड़ है, उसके अंदर से मैंने ये ले लिया है। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो जो मार्केट से मिलता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं छील लेती हूँ और ये आसानी से ही निकल जाएगा, और ज़्यादा नहीं, बस हमें आधी चम्मच जितना ही एलोवेरा लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो जेल होता है ना, उसको मैं निकाल लूँगी और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है मैंने, अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फ्रेंड इसको बना लेना है अच्छे से मिक्स करके ना। ये हमारा बन जाएगा एक फेस पैक। और इसको कैसे यूज़ करना है तो चलिए अभी मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स घर का ये बहुत अच्छा एक उपाय है सर्दियों के लिए। तो कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे सर्दी आती है ना, हमारी जो हाथ की स्किन है और फेस की स्किन है वो जगह जगह से ब्लैक हो जाती है, कालापन उसके अंदर आ जाता है और रूखी भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए हाथों पर, फेस पर, और आपको लगा करना इसको 10 से 15 मिनट तक लगा के रखना है। जब ये हल्का सा सूख जाए तब तक इसको लगा के रखना है। तो फ्रेंड्स आज की टिप्स में से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिए मैंने दोनों लगा लिए हैं, अब इसको 10 से 15 मिनट में सुखाऊंगी और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा फेस पैक बनता है फ्रेंड्स, घर के ऊपर नेचुरल चीज़ों से ही बनाया है, कोई केमिकल हमने इसमें नहीं मिलाया है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो सर्दियों के लिए तो बेस्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको वॉश कर लिया है अपने हाथों को, और कितना ज़्यादा इसके अंदर सॉफ्टनेस भी आ गई है और ब्राइटनेस भी आ गई है। और इस तरीके से सर्दी अब आने ही वाली हैं, स्टार्टिंग तो हो ही गई है, तो इसको बना लीजिए और यूज़ कर लीजिए घर पर ही और त्योहारों पर भी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप में यहाँ लिया है मैंने ये पिलो पे कवर। तो ये पिलो कवर हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, चादरें तो फट जाती हैं, पिलो कवर भी रखे ही रहते हैं। तो आज इसका भी एक बढ़िया सा यूज़ मैं बता रही हूँ। आपको लेना है एक हैंगर, और इस हैंगर को ना इस तरीके से पिलो कवर के अंदर फिक्स कर लेना है। पीछे के जो ये साइड है ना, यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा लेना है, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है, नहीं निकलता है। तो अगर ये आपका जो हैंगर अगर पिलो कवर में से निकल रहा हो तो आपको क्या करना है, देखिए ये ऊपर से जहाँ से मैं चढ़ा रही हूँ ना, यहाँ और बीच में इसको होल भी कर इसका जो हैंगर है ऊपर हैंग करने का है, इसके अंदर से इसको भी निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको दीवार पर हैंग कर लिया है। तो आप चाहो तो आप अपनी वॉशिंग मशीन के पास भी इसको हैंग कर सकते हैं, बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं, और इसके अंदर जैसे कि जो छोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स वगैरह होती हैं, आप जो वीकली होती हैं अगर मशीन लगाती हो तो इसमें आप डाल सकते हो, या फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं और जैसे फटे पुराने कपड़े हमें टाइम पर चाहिए होते हैं वो मिलने वाते, तो इस तरीके से इकट्ठे करके रख सकते हो। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके से झाड़ू को लेकर है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि झाड़ू के अंदर मीठा लग जाता है, या फिर रसगुल्ले का रस लग जाता है, या फिर ये जब गीली हो जाती है ना तो इनके अंदर जो है चींटियाँ अपना घर बना लेती है, झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं अंदर की साइड। तो आपको क्या करना है, ऐसे झाड़ू को खोलना है और इसके अंदर डालना है टेलकम पाउडर। तो फ्रेंड्स टेलकम पाउडर में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, खुशबू होती है, जिससे कि चींटियों को अच्छी नहीं लगती है और इरिटेशन होती है। इसकी स्मेल से सारी चींटियाँ आपकी झाड़ू में से निकलकर चली जाएंगी और वो झाड़ू के अंदर आएंगी भी नहीं दोबारा। तो फ्रेंड्स आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।